याद नहीं नहीं आती। आती। तू वीडियोस वगैरह बनाती रहती है, तू एंजॉय करती है तेरी लाइफ में, और तेरे माँ बाप को तूने छोड़ दिया, तेरे माँ बाप की याद नहीं आती। है कि याद नहीं आती? आपने इतने टाइम तक उसको पाला पोसा, आप एक ही घर में रहे, एक ही छत के नीचे, अपनी बेटी के लिए हर चीज़, अच्छा बुरा, कपड़े वगैरह सब कुछ चीज़ें आपने ली, करी, उसकी पढ़ाई लिखाई सब। उसका हस्बैंड मिले अच्छे से अच्छे, उसके सास ससुर मिले, कोशिश करते हैं हर एक माँ बाप अपनी लड़की लिए कोशिश करते हैं, लेकिन 100% तो नहीं हो पाता ना वो। कर देंगे शादी, ठीक है, फिर वो उसकी किस्मत है अगर वो खुश रहे या नहीं रहे, ठीक है। आप धीरे धीरे इन समाज को चेंज करोगे, जब भी जाके हमारा जो समाज है वो मेच्योरिटी में आ पाएगा, उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी भी ये नहीं रहा कि यार हम दोनों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम शादी करके कभी गलती करी है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा नॉलेजेबल टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएगी कि आज का जो वीडियो है इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है और आज डिटेल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद में हम लोग डिटेल में आप लोगों के पास साथ में शेयर करने वाले हैं, बताने वाले कि हमारे साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या हिंदू मुस्लिम शादी करना घर वालों के खिलाफ जाकर सही है या गलत है, गलत है। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो कुछ टाइम से गाइस महक के इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि तूने क्या करा, तेरी आखिरत ख़राब कर ली, तू जहन्नुम में जाएगी, ठीक है, और तुझे जन्नत कभी भी नसीब नहीं हुई। इस टाइप का एक व्यक्ति था, मतलब उसका नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने इस टाइप की हरकतें करी और बहुत सारा उसने लंबा चिट्ठा लिखा था, मतलब उसने ऑडियो मैसेजेस भी भेजे और साथ साथ में उसने एक लंबा चिट्ठा लिखा, ठीक है, बहुत लंबा क्योंकि चिट्ठा यहाँ पे लिखा। बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पे तो आते हैं लेकिन इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं तो इतना रीड तो नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन इंस्टाग्राम पर अगर कोई प्राइवेटली DM करता है ना तो हम लोग पूरा उसको सीन करते हैं कि कौन, क्योंकि अच्छे पॉजिटिव भी कमेंट होते हैं, नेगेटिव्स भी कमेंट होते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करे गए थे, लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि इस टाइप के कमेंट्स तो हम लोगों को आते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे गए थे कि जो शायद हम लोगों को लगा कि यार इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। उसमें एक वर्ड ऐसा लिखा गया था कि क्या महक को तुझे तेरे घर वालों वालों की की याद याद नहीं नहीं आती। आती। तू वीडियोस वगैरह बनाती रहती है, तू एंजॉय करती है तेरी लाइफ में, और तेरे माँ बाप को तूने छोड़ दिया, तेरे माँ बाप की याद नहीं आती, और तो कुछ शर्म नहीं आती, तू बेहाया है, तू ऐसी है, तू वैसी है। तो मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ, उन्होंने मुझे पैदा करा है, जन्म करा है, इतना बड़ा करा है, तो मुझे तो उनकी याद आती है और हमेशा आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, मैं रोती भी हूँ, इनसे पूछ लो, बिल्कुल बिल्कुल मुझे गाइस, आती है, बिल्कुल आती। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या उनको मेरी याद नहीं आती? बिल्कुल उन्होंने मुझे इतना बड़ा करा, पाला पोसा, प्यार से पाला पोसा, किसी चीज़ में कमी नहीं आने थी। वो मुझसे भी बहुत प्यार करते थे, क्या उनको क्यों नहीं याद आती मेरी? बिल्कुल। महक यहाँ ये कहना चाहती है गाइस कि इतना प्यार करने के बाद में, चलो ठीक है, महक के दिल में तो कभी भी उसके उनके लिए कभी भी गलत भावनाएं नहीं आएगी, उन्होंने जो इतना बड़ा करा है, महक को इतनी सारी खुशियां दी है, सब कुछ करने के बाद में भी महक को तो आज भी उनकी याद आती है और महक रोती भी है, लेकिन मेरा कहना ये है, महक का कहना, हम दोनों का कहना यही है, क्या उनको हमारी याद नहीं आती? महक की उनको याद नहीं आती, जो आज इतना इमोशनली देख के महक को देख सकते हो आप, क्योंकि महक रोती भी है सच में गाइस, कि महक उनकी याद में रोती है और उनको याद करती है। सोचिए आपके एक माँ, मतलब माँ का दिल कितना बड़ा बड़ा होता। होता हाँ है जी, और कोमल होता है, लेकिन मेरा कहना महक की मम्मी से भी यही है कि आपको क्या महक की याद नहीं आती? आपने इतने टाइम तक उसको पाला पोसा, आप एक ही घर में रहे, एक ही छत के नीचे, अपनी बेटी के लिए हर चीज़, अच्छा बुरा, कपड़े वगैरह सब कुछ चीज़ें आपने ली, करी, उसकी पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़ें आपने करी, लेकिन एक बार भी गाइस महक की मम्मी ने उनको कॉल नहीं किया और कॉल करके ये भी नहीं पूछा कि बेटा तू कैसी है, तू क्या कर रही, मतलब मेरी खुशी में तो वो खुश है ही नहीं, ऐसा लगता मतलब है मुझे फिर तो। तो यही क्वेश्चन आता है सभी के माइंड में कि यार क्या पेरेंट्स बच्चों की खुशी देखकर खुश नहीं है, वो सिर्फ हमेशा समाज की समाज को और नहीं, आसपास के लोगों की ही क्यों सोचते हैं? पर कितनी कैसी सोच है, समाज की वजह से औलाद को भूल जाना, औलाद से बात नहीं करना, कितनी मतलब बेहाया अगर चीज़ है, मतलब ये लोगों की सोच कैसी है। और अगर कोई कैसी भी औलाद हो, लेकिन माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि उस औलाद को वो एक्सेप्ट कर लेती, भले वो बिल्कुल कैसी भी बिल्कुल, औलाद एक हो। बार पापा, चलो ठीक है यार उनको बहुत मतलब समाज का भी एक दायरा रहता है, उसमें अगर वो सोचते हैं कि उनकी थिंक अगर ऐसी है कि यार मेरी बेटी से मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समाज में रहना, ठीक है आप समाज में रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक माँ का दिल मुझे समझ में नहीं आता, क्या आपको महक की याद नहीं आती? ठीक है, आज इतना सारा लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में प्यार करते हैं उसको और खुशियाँ देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और उसकी जो खुशियाँ हैं उसमें खुश होते हैं, लेकिन आप मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसकी खुशियों में खुश देखकर उसको खुश क्यों नहीं हो आप?
मुझे समझ में नहीं आता ये सारी चीज़। ठीक है, आप समाज को लेके चल रहे हो, अच्छी बात है, आप अपने समाज तक रहो और उसके बाद में महक आज खुश है, ठीक है, हम लोग भी हमने हमारी लाइफ में खुश है, पर महक के दिल में तो कल से यही गलत भावनाएं आती है ना कि यार मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना बड़ा करा और उसके बाद में आज मैं अगर उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती हूँ तो मुझसे कोई बात नहीं करते हैं और ना ही उधर से सामने से कोई कांटेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वही ख्याल आता है भाई कि यार जो उस व्यक्ति ने क्वेश्चन करा था क्या तुझे तेरे माँ बाप की याद नहीं आती, तो सीधी सी बात है कि यार उनका फ़र्ज़ नहीं होता कि यार माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं मैं भी होता। मानती हूँ यहाँ कि उनका मैंने दिल दुखाया और उनको धोखा दिया, मैं शादी कर ली, मैं मानती हूँ मेरी भी गलती है, मेरी भी गलती मैं मानती हूँ, लेकिन यार एक कितने अच्छे इंसान से मैंने शादी करी। आप अगर कहीं और आप शादी करते मेरी, तो क्या इतने अच्छे इंसान मिल सकते थे आपको? इतने अच्छे, वो मुझे इतना प्यार करते, आप भले 100% ढूंढने की कोशिश करते कि अच्छे से अच्छे, मतलब मेरी बेटी को उसका हस्बैंड मिले, अच्छे से अच्छे उसके सास ससुर मिले, कोशिश करते हैं, हर एक माँ बाप अपनी लड़की लिए कोशिश करते, लेकिन 100% तो नहीं हो पाता ना, वो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल दिक्कत आती ही आती। तो आज मैं उनके साथ इतनी खुश हूँ और साथ में हम इंजॉय करते हैं, रहते हैं, और जो भी रहती प्रॉब्लम वो भी सॉल्व करते हैं, लड़ाई झगड़े होते वो भी सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या आप इतना अच्छा हस्बैंड तो नहीं मिल पाते ना, इतनी तो खुशी देख ही सकते हो ना मम्मी पापा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यही कहना चाहती हूँ मतलब मैं। महक की खुशी देख कर रहो यार, कि मतलब सिर्फ ये मत देखो कि यार कि समाज क्या बोलेगा, जो हमारे परिवार वाले हैं वो क्या बोलेंगे, इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो फिर तो कभी अपने बेटों की बच्चों की खुशी कभी देख ही नहीं पाओगे। सो सभी उन पेरेंट्स से हमारा कहना इतना ही है कि जितने भी आप लोग यूँ सोचते हो ना कि यार अपने बच्चों की खुशी, ठीक है आज का जो ज़माना है जनरेशन है बहुत आगे तक पहुँच चुकी, और उस बीच में आप लोग ये रिलीजन लेके बैठे हो, समाज को लेके बैठे हो, आसपास के लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो ये तो गलत है ना यार। ठीक है, अब उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं, वही तो भाई, वो जिसने भी क्वेश्चन करा था इंस्टाग्राम उनको पे जवाब उनको देना आंसर मिल था। गया होगा कि यार महक तो चलो ठीक है, महक तो याद करती है उनको और हमेशा करेगी, एक ले नहीं करते मैसेज, बहुत सारे कहते कि तू कितनी बेआया थी, माँ बाप की याद नहीं आती ये वो, अरे यही आज मैंने ये आंसर दे दिया आप लोगों को कि क्यों आती तो है, लेकिन क्या रीजन है, उनको क्या मेरी याद नहीं आती। मत रो भाई, ऐसे अगर रोगे तो कैसे चलेगा, अभी तो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हो तुम, आइडल हो, और तुम अगर ऐसे कमज़ोर पड़ोगी इन लोगों को देखकर तो फिर कैसे चलेगा। हिम्मत अभी तो स्ट्रांग बन के रहना है ना। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में गाइस, सच कोई अरे यार पागल इमोशनल हो गई आज मैं, क्या रहना है अपने को हमेशा, ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में, बहुत सारे अलग अलग तरह से कमेंट करेंगे, कभी इन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमारा जो रास्ता है वो सीधा है, ठीक है, हम लोगों को हमारी मंजिल तक पहुँचना है, तुम लोग तुमको कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, ये हमारे इतने सारे सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मुझे भी यही कुछ करना है मेरी लाइफ में, ताकि मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड महसूस हो सके, या नहीं यार कुछ करा है मेरी लड़की ने। सो गाइस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि महक को कभी भी उसके पेरेंट्स की याद ना आए और साथ साथ में महक कुछ बन सके, कुछ मतलब कुछ करके दिखाए लाइफ में, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना और जितना हो सके आप लोग भी सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि हम लोग हर चीज़ से स्ट्रांग बन पाएंगे तो ही आगे लड़ पाएंगे और अच्छा कार्य कर सकेंगे, ठीक है, और महक को आप लोग क्या कहना चाहोगे, क्योंकि महक आज थोड़ी सी इमोशनल हो गई, ठीक थोड़ी है, जल्दी इमोशनल हो जाती बहुत हूँ जल्दी भाई। इमोशनल हो जाती है हमारी महक, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सा बस लड़ना है, डटे रहना है, ठीक है, ठीक है, अभी तो बहुत सारे आएंगे जब इतना बड़ा कांड करेंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों अपन, और उसके बाद में आप सही है, किसी से डरेंगे क्या, अपन लड़ेंगे। लड़ेंगे ना। और गई यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होगा कि भाग कर शादी करना गलत है या सही है, ठीक है, तो उनको भी ये क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, अगर माँ बाप अगर बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं सिर्फ समाज को देखकर, ठीक है, और जब एक पार्टनर आपका अच्छा है, ठीक है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो, वो मेच्योर है, अच्छी जॉब कर रहा है, या उसकी अच्छी पोस्टिंग है, या फिर उसका फ्यूचर सेटल है, अगर आपको पता है आपने अच्छा पार्टनर चुना है और आपको पता है कि क्यों मैं उसके साथ में फ्यूचर अच्छा देख सकती हूँ या खुश रह सकती हूँ, तो आप बिल्कुल उसके साथ में शादी कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स अगर दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं इन चीज़ों को लेके, जैसे कि समाज देख रहे हैं, रिलीजन को देख रहे हैं, तो फिर आपको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि यार मैं अपने प्यार को छोड़ दूँ और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ में शादी कर लूँ, जो वो कहेंगे उसके हिसाब से शादी कर लूँ, ठीक है, पेरेंट्स कब तक रहेंगे गाइस, पेरेंट्स को तो आज नहीं तो कल वो तो चले ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो आपका जो फ्यूचर है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना।
आपको देखना पड़ेगा आपके जो आने वाले 40 साल है वो तो आपको एक पार्टनर के साथ में बिताने। कल से आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने उस टाइम ये गलती कर ली तो आज मेरे मेरा जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो गया, काश उस टाइम मैं हिम्मत कर लेता और जिससे मैं प्यार करता था और उसके साथ में मैं शादी कर लेता। क्योंकि कई जगह हम लोगों ने तो देखा है कि काफ़ी सारी जिंदगियां जो तबाह हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो लड़का होता है वो किसी और से शादी कर लेता है, लड़की कहीं और शादी कर लेती है और उसके बाद में होता ये है कि दोनों फिर वापस से मिलते हैं और वापस से कॉलिंग वॉलिंग चालू हो जाती है कि वो अपने प्यार को भूल नहीं पाते हैं दोनों, तो उसके बाद में वहाँ पर भी उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है क्योंकि फिर घर में कलेश बढ़ने लगते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि चार फैमिलीज़ बर्बाद हो रही है, लड़का बर्बाद होती है। जहाँ पे लड़की की शादी हुई वो भी, ठीक है, और इधर लड़के के साथ में जो लड़की शादी करके आई है उसकी भी, तो यहाँ पे चार फैमिलीज़ को बर्बाद होने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों की खुशी को देखो और साथ में जहाँ वो खुश है, ठीक है, वो खुश है या नहीं रहेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन आपने अगर उनको उनका हक दे दिया कि ठीक है बच्चों तुम तुम्हारी जहाँ खुशी है वहाँ हम लोग कर देंगे शादी, ठीक है, फिर वो उसकी किस्मत है अगर वो खुश रहे या नहीं रहे, ठीक है। आप धीरे धीरे इन समाज को चेंज करोगे जब भी जाके हमारा जो समाज है वो मेच्योरिटी में आ पाएगा, ठीक है। अभी भी अगर आप यही चीज़ों को लेके बैठे रहोगे ना कि यार हम लोग तो सिर्फ समाज में शादी करेंगे, यार हिंदू जो है, ठीक है, हिंदू अगर हिंदू रिलीजन से ही है, ठीक है, और अगर लड़की भी हिंदू है लड़का भी हिंदू है, ठीक है, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। कास्ट देख रहे हो आप, अभी भी कितने सारे लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, कितने संगठन इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं कि सिर्फ ये जातियों को का भेदभाव जो है ना इसको हटा दो और सिर्फ हिंदू बन के रहो और सनातनी बन के रहो, इसका कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी आप मुझे समझ में नहीं आता अपने बच्चों की खुशी को क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है, अपने हिंदू हिंदू में शादी करने में आपको इतनी प्रॉब्लम्स आती है, आप ये देखते हो वो देखते हो, और यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम करके बैठे हुए हैं और कितने सारे कर भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप ये भी तो सोचो थोड़ा। बिल्कुल। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से पहले समझा लो कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और आपको लगता है कि यार मैं मेरे पार्टनर के बिना नहीं रह सकता और उसके साथ में मैं अपना फ्यूचर अच्छी तरीके से देख रहा हूँ और मैं उसी के साथ में खुश रहूँगा, तो आप फिर बिल्कुल कानूनी तौर पर शादी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सही पे कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल कि मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से शादी करूँ या फिर मेरे को कोर्ट मैरिज ही करना है, कुछ भी नहीं। जो भी है आपका दिल है, आपके दिल की आवाज़ सुनो हमेशा, ठीक है, वो क्या चाहता है उसके हिसाब से एक्शन लो यहाँ पे, ठीक है। तो आज जैसे कि हम दोनों की बात रही कि हम दोनों ने शादी करी, हम दोनों ने शादी करी तो लेकिन हम लोग कभी इतना सा भी पछतावा नहीं हुआ कि यार हम दोनों ने आके या शादी करके कोई गलत डिसीजन लिया। आज महक भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, दोनों की लाइफ में हम लोग मस्त है। बुरा टाइम था तब भी हम लोग खुश थे, आज अच्छा टाइम है तब भी हम दोनों खुश हैं। कभी भी हम लोग, मेरे को पता है कि यार बुरी से बुरी परेशानी भी आएगी मेरे साथ में महक खड़ी रहेगी, अच्छी से अच्छी परेशानी भी तो महक खड़ी रहेगी, ठीक है। तो मुझे दोनों तरफ से एंगल पता है कि यार हम दोनों के साथ में क्या हो सकता है, बुरा भी आएगा समय तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समय आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो इस तरह से अगर आप देखोगे ना ज़िंदगी को तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नज़र आएगी आपको, जैसे कि हम दोनों कपल्स आज साथ में बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि हम दोनों ने भी हिम्मत करी, ठीक है, अपने प्यार को चुना और आज दोनों खुशहाली तरीके से जीवन को बिता रहे हैं, बता रहे ठीक है। हैं। हम दोनों के बीच में कभी भी इस टाइप के झगड़े नहीं होते, छोटे मोटे जो झगड़े होते रहते हैं ना कभी कभार लोगों के बीच में, नहीं होते हम दोनों के बीच में। हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, दोनों मैं कुछ महक को बोल देता हूँ, महक मुझे कुछ बोल देती है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कभी भी ये नहीं रहा कि यार हम दोनों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम शादी करके कभी गलती करी है, ठीक। अगर महक, मैं तो आज भी बोलता हूँ, अगर महक इसके रिलीजन को भी फॉलो करती ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के बोला था ये चीज़, अगर इसके रिलीजन को भी फॉलो करती तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज इसने हंसी खुशी सनातन धर्म को अपनाया तो भी मैं इसके सपोर्ट में हूँ, तो भी मैं इसको बोलता हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, ठीक है, आज मंदिर पूजा इन्होंने करनी मुझे है। कोई फोर्स नहीं करा था स्टार्टिंग में, मुझे जब मेरी शादी हो गई थी इनसे, जब मैं आई थी घर से, तो इन्होंने यही बोला था तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो मतलब अच्छा लगता है तुम वो करो, तुम्हें नमाज़ पढ़नी तुम नमाज़ पढ़ो, तुम्हें भगवान को माना तुम भगवान को मानो, तुम्हें कुरान पढ़ना तो कुरान, तुम्हें जो करना है वो करो। और स्टार्टिंग में मैं नमाज़ भी पढ़ती थी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक वीडियो देख एक सकते वीडियो हो देख भी चैनल के ऊपर, लेना एक वीडियो भी डला हुआ है, डला लेकिन हुआ उसके है, बाद में जो जिंदगी महक ने मैंने देखी, देखी और समझी कि क्या है सही और क्या गलत है, उस चीज़ को मैंने समझी। और इतने सारे चैनल भी हैं बहुत सारे जो जो एक्स मुस्लिम के हैं वो भी मैं देखे, और जैसे समझे समझते आगे गई यहाँ कि क्या सही है और क्या गलत है। और भगवान जी मेरे दिल में तो पहले से ही थे, और फर्स्ट टाइम जब जब मैंने हनुमान जी से जो बात कही थी, मैंने एक वीडियो में भी कही है वहाँ जाकर आप देख लेना, और जो हनुमान जी से जो कही थी वो हनुमान जी ने मैंने सुनी,
और समझी, और आज हम यहाँ हैं तो भगवान जी होते हैं तभी तो मैं मानती हूँ, अगर नहीं होते बिल्कुल होंगे तो फिर क्या, मेरे लिए बिल्कुल। इतना थोड़ी कर दे वो। तो देख लो भाई कि मतलब जैसे कि मैं एक एक दूसरे रिलीजन से होने के बावजूद भगवान को समझती है, ठीक है, उसने सनातन धर्म को समझा, लेकिन उसके बाद में भी जो सनातन के लोग हैं वही सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं अच्छी तरीके से, कि यार आप कितने खुशनसीब हो कि आपको ये धर्म मिला है और उसके बावजूद भी आप उसकी विशेषताओं को नहीं जान पा रहे हो, और उसके कदर बाद नहीं में कर पा रहे हो। कदर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ जातियों में बटे हुए हो। जातियों को छोड़ो भाई, जब राम जी ने भेदभाव नहीं रखा, लेकिन आप लोग क्यों भेदभाव रख रहे हो? अपने बच्चों की खुशियों को समझो, प्यार को समझो, ठीक है। आज महक भी मेरे साथ में खुश है, हम दोनों भी खुश है, और जितने भी कपल्स हैं हम लोगों की तो यही ब्लेसिंग्स है, यही हम लोग भगवान की से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसी खुशियाँ खुशियाँ आती आए, रहे, अच्छे ठीक से रहो, है। एंजॉय करो लाइफ को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ठीक है। बहुत अच्छा चैनल को ग्रो करके लेके चलेंगे हम लोग, और अच्छा कार्य करेंगे सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है चैनल के ऊपर, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक कर देना, ठीक है, शेयर करना चैनल को ज़्यादा जितना हो सके, और हम लोगों को सपोर्ट करना, हर चीज़ से सपोर्ट करना गाई, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के इस टाइप के भी एक्शन होने वाले हैं हम लोगों के ऊपर, लेकिन उसी से आप लोगों को भी बचाव करके रखना, इसलिए हम लोगों को हर तरफ से स्ट्रांग बनाइए आप लोग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान ध्यान रखिएगा, रखिएगा, बाय बाय। बाय।